सिरसा विधायक और हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा ने गांव रंगडी खेड़ा के लोगों को रजिस्ट्रियां सौंपी। पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा ने लाल डोरे के तहत आने वाली रजिस्ट्रियां लोगों को वितरित की। इस दौरान ग्रामीणों ने गोपाल कांडा का पगड़ी पहनाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा मौजूद रहे। विधायक गोपाल कांडा ने गांव के लोगों को कल एक और बड़ी सौगात दी थी। उन्होंने गांव रंगडी खेड़ा में जलघर का नींव पत्थर रखा था, उसका शिलान्यास किया था। बताया कि इस परियोजना के तहत शेरावली माइनर से गांव में पानी पहुंचाया जाएगा। गांव तक पानी 7 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ लोगों ने इस सौगात के लिए विधायक गोपाल कांडा और वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा का आभार व्यक्त किया। पड़ोसी पहले ही आ गए थोड़े तो पानी मंगने वास्ते, बेबूह के डॉक्टर साहब पहले ही आ गए, कहते जी नाली लवा के सानू भी दे दो पानी। भी यह गल तो पक्की हो गई भी इतने पानी कदे खत्म नहीं होना, इस जल गल से पानी कदे नहीं मुकना, क्योंकि नहर से सीधा आना है डायरेक्ट पानी। बाबे की कृपा रहनी है, ये जल गल से इन्ना मिठा ते वधिया पानी आएगा ते हर घर पानी जाएगा। मेरे नाल एसी साहब बैठे सी, मैं उन्होंने गया, मैं क्या मूर्त का तुम करवा लिया मेरे तो, पर मैं डेट दसो भी किन्ने दिनों के अंदर अंदर सारे घर से पानी पहुंच जाएगा। कहते जी टाइम तो 1 साल का, पर ठेकेदार गल कर लो, असी 6 महीने के अंदर अंदर रंगड़ी के हर घर के अंदर पानी पहुंचा। बड़े भाई गोपाल कांडा जी ने मुख्यमंत्री जी से आशीर्वाद बात करी और मुख्यमंत्री जी ने आशीर्वाद देके आपका ये काम करवाया। मैं मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, इतने दिन में इतनी बड़ी योजना 603 लाख की बहुत संभव है ये काम आपके सहयोग से हुआ, तो मैं आपका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पूरे हरियाणा में ऐसा वाटर बक्स नहीं होगा जो वाटर बक्स रंगड़ी में होगा, और इसके पास समय 1 वर्ष का है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस चंद्र ठेकेदार की तरफ से कि ये हम 6 महीने में आपका पूरा करके आते हैं।